अब यहाँ तक आ ही गए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे आप तक। नमस्कार, मैं हूं महक शर्मा और इस वक्त आप ये लाइव तस्वीरें देख रहे हैं हरियाणा के करनाल से। और इस वक्त हम मौजूद हैं कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के बाहर, क्योंकि जो खबर इस वक्त आईबीएन 24 आपको दिखाने जा रहा है, ये खबर किसानों से जुड़ी हुई है। क्योंकि वर्ष 2021 यानी कि इस साल किसानों के लिए एक राहत की खबर जरूर निकल कर सामने आ रही है। मैं आपको बताना चाहूंगी कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत अब सरकार ने किसानों को विकल्प दे दिया है, अल्टरनेटिव दे दिया है, ऑप्शन दे दिया है, स्वैच्छिक ये स्कीम को बना दिया। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि पिछले मैं वर्षों की बात करूँ तो किसानों को ये दिक्कत होती थी, किसानों को ये शिकायत होती थी कि हमें बिना बताए जो फसल बीमा है, यानी कि जो फसल का जो बीमा है वो कर लिया जाता है, बैंक हमारे खाते से बिना बताए पैसे काट लेता है, जो कि किसानों को नामंजूर था, किसानों को मंजूर ही नहीं था। लगातार जो किसान है इस बात की शिकायत उठाते थे, जिसके बाद इस साल यानी कि साल 2021 में सरकार ने किसानों की बात मान ली है और इस जो योजना है इसको अब इस साल स्वैच्छिक बना दिया है। यानी कि किसान अब चाहे तो फसल बीमा करवा सकते हैं और चाहे तो नहीं करवा सकते। हालांकि मैं आपको बताना चाहूंगी जो डेट दी गई है वो 26 जुलाई तक की दी गई है। यानी कि अब अगर कोई ऐसा किसान है जो कि बैंक का देनदार हो, जिसका बैंक से लोन चल रहा हो, क्योंकि पिछले साल यही देखा जाता था, उससे भी पिछले साल यही देखा जाता था कि जो किसान जो बैंक के देनदार होते थे, जिनका लोन चल रहा होता था, बिना बताए बैंक उनके खाते से पैसे काट लेता था फसल बीमा के नाम पर। ये सरकार की तरफ से होता था लेकिन जो किसान है वो शिकायत करते थे। तो इस साल अगर कोई किसान बैंक का देनदार है और वो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का लाभार्थी नहीं होना चाहता, अगर इस योजना में शामिल नहीं होना चाहता, तो वो आने वाली 26 जुलाई जो कि अभी इसी महीने आने वाली है, 26 जुलाई से पहले पहले बैंक में आवेदन दे सकता है कि मुझे इस योजना में शामिल नहीं होना, मुझे अपनी फसल का बीमा नहीं करवाना। इस बार सरकार ने ये ऑप्शन दिया तो कहीं ना कहीं किसानों के लिए ये बड़ी राहत की खबर जरूर है। मेरी आप सभी लोगों से यही अपील रहेगी कि इस वीडियो को देखें भी और इसे शेयर जरूर करें, क्योंकि ये खबर आप सभी किसानों को लेकर है। क्योंकि लगातार किसान आए साल इस बात की शिकायत करते थे कि हम बैंक के देनदार हैं लेकिन हमारा फसल बीमा के नाम पर हजारों पैसे बैंक वाले काट लेते हैं। लेकिन इस बार अगर आप नहीं चाहते कि बैंक वाले आपका पैसा काटे, तो आपको 26 जुलाई तक आवेदन देना होगा, उसके बाद ही बैंक आपके पैसे नहीं काट सकता। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगी अगर जो निर्धारित डेट है यानी कि 26 जुलाई है जो कि लास्ट डेट है, वो 31 जुलाई तक की है। हालांकि अगर आप 31 जुलाई तक भी आवेदन नहीं देते हैं तो बैंक बाध्य होगा आपके पैसे काटने के लिए। बात यहां पर ये आ जाती है कि उन किसानों का क्या जो बैंक के देनदार नहीं है, यानी कि जिन किसानों का कोई लोन बैंक में नहीं चल रहा है, वो किसान क्या करें अगर उनको इस योजना का लाभ उठाना है, यानी कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का लाभ उठाना है। तो मैं आपको बताना चाहूंगी कि उनके लिए भी ग्राहक सेवा केंद्र है, यानी कि वो ग्राहक सेवा केंद्र में जाकर आवेदन कर सकते हैं। वो वहां पर जाकर एप्लीकेशन डाल सकते हैं कि हमें इस योजना का लाभार्थी बनना है, हमें इस योजना में शामिल होना है और अपनी फसल का बीमा करवाना है, या फिर वो किसी बीमा कंपनी के जो प्रतिनिधि हैं उनसे मिल सकते हैं, उनसे बातचीत कर सकते हैं और अपना बीमा करवा सकते हैं। मैं आपको ये भी बताना चाहूंगी कि इस बार किसानों के लिए राहत की खबर इस वजह से है क्योंकि बहुत सारे किसान ना चाहते हुए भी उनका फसल बीमा हो जाता था और वो चाहते नहीं थे कि उनका फसल बीमा हो, लेकिन फिर भी बैंक से उनके खाते से पैसे काट लिए जाते थे। अब मैं आपको ये भी बताना चाहूंगी कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना सुचारू रूप से चल सके, इसके लिए सरकार ने जिला स्तर पर परियोजना अधिकारी व सर्वेयर नियुक्त किए हैं। जिला स्तर पर जो है अधिकारी भी नियुक्त किए गए हैं जो कि परियोजना अधिकारी हैं, वह सर्वेयर नियुक्त किए गए हैं। उसके अलावा बीमा कंपनियों के भी जो जिला और ब्लॉक स्तर पर जो प्रतिनिधि हैं वो काम करेंगे, जो उनके कर्मचारी हैं वो काम करेंगे, किसानों से बातचीत करेंगे, उनसे सलाह करेंगे कि आखिर उनको जो फसल बीमा है वो क्यों करवाना चाहिए, अगर उनकी फसल का कुछ नुकसान हो जाता है तो उनको बीमा मिलेगा। तो आने वाले समय में किसानों के लिए ही भलाई की बात हो सकती है। उसके अलावा मैं आपको बताना चाहूंगी कि क्या कुछ प्रीमियम रहने वाला है, कौन कौन सी फसल है जिनका फसल बीमा होता है, क्या कुछ प्रीमियम रहता है, क्या कुछ उसकी किस्तें बनती हैं,
बीमे का पूरा जो एक राशि है वो क्या रहने वाली है वो भी मैं आपको बताने जा रही हूँ। खरीफ सीजन में किसानों को धान के लिए मैं आपको बताने जा रही हूँ कि 713.99 रुपए है ये प्रीमियम का अमाउंट मैं बता रही हूँ जो किस्त बनती है, जो इंस्टॉलमेंट बनती है किसानों के लिए। मक्का के लिए 356.99 रुपए है, बाजरा के लिए 335.99 रुपए है और उसके साथ साथ कपास के लिए 1732.50 रुपए प्रति एकड़ की दर से उनको प्रीमियम देना होगा। ये किसानों के लिए किश्त है, प्रीमियम की जो अमाउंट है वो मैं आपको बता रही हूँ। उसके अलावा रबी फसलों में गेहूं के लिए किसानों को 409.50 रुपए, उसके अलावा जौ के लिए जो किसान जौ बीजते हैं 267.75 रुपए और चना के लिए 204.75 रुपए और उसके अलावा सरसों के लिए 275.63 रुपए तथा सूरजमुखी के लिए मैं आपको बताना चाहूँगी 267.75 रुपए प्रति एकड़ प्रीमियम देना होगा। ये प्रीमियम का अमाउंट है। उसके अलावा जो बीमा की राशि है वो एक बार मैं आपको बताने जा रही हूँ। तो ये सभी किसान इस वीडियो को देखें और इसे शेयर ज़रूर करें ताकि अगर आपको भी फसल बीमा करवाना है तो आप करवा सकते हैं। जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है उसके लाभार्थी हो सकते हैं। उसके अलावा जो बीमा की राशि है उसके बारे में मैं आपको जानकारी देना चाहूँगी कि बीमा राशि जो है धान के लिए वो 35,699.78 रुपए है। उसके अलावा मक्का के लिए 17,849.89 रुपए, ये सारा अमाउंट है जो कि बीमा राशि है। उसके अलावा बाजरा के लिए 16,799.33 रुपए और कपास के लिए 34,650.02 रुपए प्रति एकड़ निर्धारित की गई है। ये सभी के सभी वो अमाउंट है जो आपको फसल बीमा के लिए राशि देनी है। सभी फसलें हमने आपको बताई, प्रीमियम क्या कुछ रहेंगे, इंस्टॉलमेंट्स क्या कुछ रहेंगे वो हमने बताई, लेकिन जो किसान स्वैच्छिक यानी कि अपनी इच्छा से फसल बीमा करवाना चाहते हैं इस साल वो करवा सकते हैं। जो एक किसान नहीं करवाना चाहते और जिनका बैंक में लोन चल रहा है वो आवेदन देकर आने वाली 26 जुलाई तक अपना नाम हटवा सकते हैं और अगर उन्होंने फसल का भी नाम बदलवाना है यानी कि जो पहले से नियोजित थी जो फसल उन्होंने अगर चेंज करवानी है तो उसका भी नाम उनको आवेदन पत्र में डालना होगा। मेरी आप सभी लोगों से अपील, इस वीडियो को देखें भी और इसे शेयर जरूर करें। आप देख रहे हैं आईबीएन 24, मैं हूं मैक शर्मा हरियाणा के करनाल से आप सभी के साथ लाइव। धन्यवाद। अब यहां तक आ ही गए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे आप तक। अब यहां तक आ ही गए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे आप तक।